नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई दिन भर की ताजा खबरों को। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है, स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों को मिलेगी 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि, सीएम जयराम ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उच्च साफ सफाई बनाए रखने में सेवाएं देने वाले स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि 3 किस्तों में अप्रैल, मई और जून 2021 के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा गुरुवार को शिमला से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान की। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना मरीजों के उपचार में कोताही पर प्रिंसिपल एमएससीएमओ पर होगी कार्रवाई। तो कोरोना मरीजों के उपचार में कोताही बरतने पर मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल एमएससीएमओ पर कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि इन अधिकारियों को कोविड वार्ड में सेवाएं दे रहे स्टाफ के कार्यों पर नजर रखनी होगी। प्रतिदिन ड्यूटी से पहले कोविड वार्ड में लगे स्टाफ के साथ बैठक करनी होगी। बैठक में कोविड मरीजों की स्थिति के बारे में चर्चा करनी होगी। वार्ड में ऑक्सीजन, इंजेक्शन, अन्य कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी जांच करनी होगी। नेक्स्ट अपडेट है, ग्रेडिंग के आधार पर दर्शाया जाए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रिजल्ट, शिक्षा बोर्ड बीओडी सदस्यों ने दिया सुझाव। तो हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए इस बार उन्हें अंक नहीं बल्कि ग्रेडिंग मार्कशीट पर दर्शाए जाए। साथ ही हिंदी विषय के पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर मिले अंकों को आधार बनाने की सलाह बीओडी सदस्य ने बोर्ड को दी है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में बीओडी के सदस्यों यह सुझाव बोर्ड प्रबंधन को दिया। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के सरकार की ओर से जारी निर्देशों के चलते स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रशासन बुद्धिजीवियों से इस संबंध में चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, सोलन नालागढ़ में अब पार्षद को भी चालान करने की शक्तियां। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसडीएम ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें नगर परिषद पार्षदों को बिना मास्क के बाहर घूमने वालों व कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान करने की शक्ति दी गई है। संक्रमित व उनके परिवार का कोई सदस्य अगर बाहर घूमता पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ वीरेंद्र चौहान बोले, FA1 मूल्यांकन में कोई बुराई नहीं। तो हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने FA1 मूल्यांकन का विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के नाम से एक स्वयंभू नेता ने खुद को संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने और गूगल मीट में 115 शिक्षकों की बैठक होने का दावा किया है। कहा गया है कि बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने FA1 मूल्यांकन का विरोध किया है और इस मूल्यांकन के लिए विभाग के फैसले को गलत करार दिया है। वीरेंद्र चौहान ने बताया कि हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की कोई गूगल मीट नहीं हुई है और न ही संघ के प्रदेश अध्यक्ष तथा कथित शिक्षक नेता नरेश महाजन है। नेक्स्ट अपडेट है, भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर की माता का निधन, एक दिन पहले अस्पताल ने किया था डिस्चार्ज। तो विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर की माता का वीरवार दोपहर को घर पर निधन हो गया। 92 वर्षीय राजकुमारी ठाकुर करीब 10 दिन पूर्व कोरोना संक्रमित पाई गई थी। सांस लेने में परेशानी होने पर उन्हें हमीरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। स्वास्थ्य में सुधार के बाद बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी, जहाँ पर घर पहुँचते ही उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अपडेट है, कुल्लू की मंडियों में खुमानी की दस्तक, 50 रुपये किलो बिकी। तो हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में अर्ली वेराइटी की खुमानी ने मंडियों में दस्तक दे दी है। गुरुवार को सब्जी मंडी में खुमानी 50 रुपये प्रति किलो तक बिकी। कोरोना और महंगाई के बीच यह बागवानों के लिए राहत की बात है। जिले में खुमानी की फसल गत वर्ष के मुकाबले 40% तक कम है, लेकिन सीजन की शुरुआत में मंडियों में खुमानी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में बागवानों को खुमानी मालामाल करेगी। पलम सीजन के पहले खुमानी के बेहतर दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में बारिश, चोटियों में बर्फबारी से मनाली लेह सामरिक मार्ग बंद। तो ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार को बादल बरसे, चोटियों में बर्फबारी होने से मनाली लेह सामरिक मार्ग बंद हो गया है। गुरुवार प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई। नेक्स्ट अपडेट है, 66 बीघा निजी और सरकारी भूमि में अवैध पोस्ट की खेती का बड़ा मामला, 15 लाख पौधे बरामद। तो मंडी जिला पुलिस ने नशा माफिया पर फिर बड़ी कार्रवाई की है।
चौहार घाटी में बड़े पैमाने पर पोस्त की अवैध खेती का भंडाफोड़ हुआ है। चौहार घाटी में 66 बीघा से अधिक मलिकियत और सरकारी भूमि में अवैध रूप से उगाए 15 लाख पोस्त के पौधे बरामद किए गए हैं। जिला में इतने बड़े पैमाने में नशे की खेती का यह पहला मामला है। अवैध खेती के कारोबारी अब सरकारी भूमि में पोस्त की बिजाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना आपदा पर मृतकों के परिजनों को नहीं मिलता मुआवजा। हिमाचल प्रदेश समेत समूचे देश में कोरोना महामारी को बड़ी आपदा माना गया है। यही वजह है कि इसके नियंत्रण को लेकर सरकार सारे आदेश आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कर रही है। आपदा होने के बावजूद इससे होने वाली मृत्यु पर किसी भी मृतक के परिवार को राहत राशि या मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना को महामारी तो माना है, लेकिन उसे अभी तक आपदा प्रबंधन में कवर होने वाली उस सूची में शामिल नहीं किया है जिसमें मुआवजा का प्रावधान है। नेक्स्ट अपडेट है, डिपू में राशन आवंटन की जांच करेगी टीमें, सरकार को मिल रही शिकायतें। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिपुओं में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के आवंटन की जांच के लिए टीम गठित की है। टीम देखेगी कि डिपू होल्डर लोगों को कोविड नियमों का पालन करते हुए राशन दे रहे हैं या नहीं। प्रदेश में शहरों के साथ गाँव में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, गौशाला में युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। तो ऊना पुलिस थाना अंब के तहत बंजाल में एक 30 वर्षीय युवती ने वीरवार को गौशाला की छत से लटककर आत्महत्या कर ली। युवती मानसिक रूप से परेशान थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार युवती के परिवार में दो बहनें और एक भाई है। पिता सोम सिंह ने बताया कि उनकी बेटी उमर डिप्रेशन की मरीज थी और उसकी डिप्रेशन की दवाई चल रही थी। तो वीरवार सुबह उमा ने सबको खाना बनाया और सबने खाना खाया। इसके बाद दोपहर को उसने घर के साथ बनी गौशाला में जाकर रस्सी गले से बांध के छत से फंदा लगा लिया। जब दोपहर बाद पशुओं को चारा डालने परिजन गए तो रस्सी से झूली हुई दिखी। नेक्स्ट अपडेट है, बडियार सरकारी स्कूल में दुगनी हुई विद्यार्थियों की संख्या। तो नादौन बेशक कई सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। कई स्कूलों में ताले लटक चुके हैं, लेकिन शिक्षा खंड नादौन के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडियार के अध्यापकों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर मिसाल पेश की है। पिछले दो माह से जारी उनकी मेहनत बच्चों की संख्या बढ़ाने में रंग लाई है। ग्राम पंचायत चोड़ू के अंतर्गत आते इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 75 पहुँच गई है, जो कि पूर्व में 35 के करीब थी। नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना दौर की बड़ी भर्ती, राष्ट्रीय राजधानी में मिल रही 7,000 से ज्यादा नौकरियां। तो राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के नौकरी पाने का इंतजार अब खत्म होने को है। DSSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए बड़ी भर्ती शुरू की है। चयन बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड आदि में विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए DSSSP ने कुल 7,236 पदों का भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इन पदों में ट्रेड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT के 6,258 पद हैं, जबकि असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के 554 पद, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के 74 और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट व LDC के 278 पद, काउंसलर के 50 पद और हेड क्लर्क के 12 पद और पटवारी के 10 पद शामिल हैं। तो फ्रेंड्स यही थी दिन भर की ताज़ा खबरें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।